राम राम सनातन ऑन यूट्यूब इस चैनल पर और श्रीमद् भागवत गीता के इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय में स्थित श्लोक नंबर 23 से लेकर तो 33 तक देखा। अभी हम देखने वाले हैं श्लोक नंबर 34 से लेकर तो 47 तक। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय में स्थित श्लोक नंबर 34। आचार्य पित्रा पुत्रा तथा च पितामह मातुला शवशुरा पौत्रा शाला संबंधिनास तथा। श्लोक नंबर 35। इतः न हन्तुम इच्छामि घनातो पि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः किन्नु महि कृते। अर्थ शिक्षक पिता पुत्र दादा मामा पोते ससुर पोते साले और अन्य रिश्तेदार अपने जीवन और धन को दांव पर लगाकर यहाँ मौजूद हैं। हे मधुसूदन, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझ पर आक्रमण करें। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालेंगे तो हमें तीनों लोकों पर प्रभुत्व प्राप्त करने से क्या संतुष्टि मिलेगी, इस पृथ्वी की तो बात ही क्या। आपसे हम निवेदन करते हैं, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही धार्मिक और सनातन ज्ञान आप तक हमेशा पहुंचता रहे। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले। श्लोक नंबर 36। निहत्या धार्तराष्ट्रम न का प्रीते स्याज जनार्दन पापन एवाश्रयेद अस्मान हत्वेता नतातायनः। श्लोक नंबर 37। तस्मान नरहावयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स बन्धवान् स्वजनम् हि कथ हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अथ हे सभी जीवों के पालन करता, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें क्या खुशी मिलेगी। भले ही वे हमलावर हों, लेकिन अगर हम उन्हें मारेंगे तो निश्चित रूप से पाप हम पर आएगा। अतः हमें ये शोभा नहीं देता कि हम अपने चचेरे भाइयों धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा मित्रों को मार डालें। हे माधव कृष्ण, हम अपने ही रिश्तेदारों को मारकर खुश होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। श्लोक नंबर 38 और 39। श्लोक नंबर 38। यदि अप्या अते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुल क्षय कृत दोष मित्र द्रोहे च पातकम्। श्लोक नंबर 39। कथ न जन्यम अस्माभिः पापद असमान निवर्तितुम् कुल क्षय कृत दोष प्रपश्यात्भिः जनार्दन। अर्थ उनके विचारों पर लालच हावी है और वे अपने रिश्तेदारों को नष्ट करने या दोस्तों के साथ विश्वासघात करने में कोई बुराई नहीं देखते हैं। फिर भी हे जनार्दन कृष्ण, हमें जो अपने रिश्तेदारों की हत्या में अपराध को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इस पाप से क्यों नहीं हटना चाहिए। श्लोक नंबर 40। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मोभिभवति उता। अर्थ जब एक राजवंश नष्ट हो जाता है तो उसकी परंपराएं नष्ट हो जाती हैं और परिवार के बाकी लोग अधर्म में शामिल हो जाते हैं। श्लोक नंबर 41। अधर्म अभिभवत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्षेण्य जयते वर्ण संकरः। अर्थ हे कृष्ण, बुराई की प्रधानता से परिवार की महिलाएं अनैतिक हो जाती हैं और हे वृष्णि वंशज, स्त्रियों की अनैतिकता से अवांछित संतान पैदा होती है। श्लोक नंबर 42। शंकरो नरकायव कुल घनन कुलस्य च पतन्ति पितरो य अशहम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्थ अवांछित बच्चों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप परिवार और परिवार को नष्ट करने वालों दोनों के लिए नारकीय जीवन होता है। ऐसे भ्रष्ट कुल के पूर्वज भी यज्ञ से वंचित रह जाते हैं। श्लोक नंबर 43। दोषर एता कुल घनन वर्ण संकर कर क्या उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्मश्च च शाश्वतः। अर्थ उन लोगों के बुरे कर्मों के माध्यम से जो पारिवारिक परंपरा को नष्ट करते हैं और इस प्रकार अवांछित संतान को जन्म देते हैं, विभिन्न प्रकार की सामाजिक और पारिवारिक कल्याण गतिविधियां बर्बाद हो जाती हैं। श्लोक नंबर 44। उत्सन कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अर्थ हे जनार्दन कृष्ण, मैंने विद्वानों से सुना है कि जो लोग पारिवारिक परंपराओं को नष्ट करते हैं वे अनिश्चित काल तक नरक में रहते हैं। श्लोक नंबर 45। अहो बता महत पापन कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन्म उदयता। श्लोक नंबर 46। यदि माम प्रतिकारम शास्त्रम शास्त्र पान्या धृतराष्ट्र ने हन्युस्तन में क्षेमतर भवेत। अर्थ अफसोस, ये कितनी अजीब बात है कि हमने भयावह परिणामों वाला यह महापाप करने का मन बना लिया है। राजसुख की लालसा से प्रेरित होकर हम अपने ही रिश्तेदारों को मारने पर आमादा हैं।
अच्छा तो ये होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर मुझ निहत्थे तथा प्रतिकार न करने वाले को युद्ध भूमि में मार डालें। अर्जुन ने बताया कि किस प्रकार जब हम अधर्म करते हैं, जब हम स्वयं हमारे कुल में ही विध्वंस करना शुरू करते हैं, तब किस तरह से हमारे कुल पर अधर्म का निवास होता है, किस तरीके से घर में की स्त्रियां अनैतिक संबंध या अनैतिकता में चली जाती है, आगे जाकर वो कुल दूषित हो जाता है और आने वाली उसकी आगे की पीढ़ी यह अधर्म के पद पर चलना शुरू कर देती है। अर्जुन ने बहुत सुंदरता से धर्म का पक्ष यहाँ पर लेते हुए श्री कृष्ण को बताया है और अर्जुन को ऐसा लगता है कि वो जो करने जा रहा था युद्ध, वो गलत है, अधर्म है, इसलिए वो अपना धनुष रथ के कोने में रख देता है और रथ में जाकर बैठ जाता है, ये कहकर कि चाहे तो वह आगे के लोग मुझे आकर मार डाले, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। श्लोक नंबर 47। संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुन सांख्य रथोपस्थ उपविशत विशिष्ट विशिज्य सशर चापन शोक संविग्न मानसा। अर्थ, संजय ने कहा, इस प्रकार बोलते हुए अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक तरफ रख दिया और अपने रथ की सीट पर बैठ गया। उसका मन व्यथित था और दुख से अभिभूत था। यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। आपसे फिर से निवेदन करते हैं कि अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो या फिर सुन रहे हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सनातन, जय श्री कृष्णा।